पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के बालाकोट में सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की ओर से आम नागरिकों को निशाना बनाते हुए की गई भारी गोलीबारी में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए। कांग्रेस के 84वीं अधिवेशन के समापन भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने बीजेपी की तुलना कौरवों से की तो कांग्रेस को पांडव बताया, वहीं मोदी सरनेम को भ्रष्टाचार का पर्याय बता दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि राज्य में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन की जरूरत है। अगर दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़े तो हारने और अप्रासंगिक होने का खतरा है, इसलिए दोनों दलों के नेतृत्व को त्याग करना होगा जिससे कि भाजपा को रोका जा सके। चैत्र नवरात्र हिंदू नववर्ष और गुड़ी पाड़वा आज से शुरू हो गया है। चैत्र नवरात्र आज से 25 मार्च तक है। अष्टमी और नवमी एक साथ पड़ने के कारण नवरात्र 8 दिन के होंगे। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री को माँ पार्वती भी कहा जाता है। दर्शकों को फिल्म रेड काफी पसंद आ रही है। क्रिटिक्स से भी फिल्म को जहाँ अच्छे रिव्यूज मिले हैं, वहीं फिल्म के प्रति दर्शकों का रिस्पॉन्स उम्मीद से कहीं ज्यादा है। साल की तीसरी बड़ी ओपनर फिल्म बनी रेड को दूसरे दिन की कमाई में 38% की बढ़त देखने को मिली है।